अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। सिपाही भर्ती पर बहुत बड़ी खबर ये कि सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित हुई है। 23 से 24 25 अगस्त को होगी परीक्षा, 30 से 31 अगस्त को होगी परीक्षा। सिपाही के 6244 पदों पर भर्ती होगी। फरवरी में हुई परीक्षा कर दी गई थी रद्द, पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा। 17-18 फरवरी को हुई थी परीक्षा। तो ये बता दें आपको, अब पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एग्जाम की 22, 23, 24, 30, 31 को एग्जाम होंगे और सिपाही भर्ती परीक्षा में 60,000 से ऊपर पद हैं जिन पर ये भर्ती परीक्षा होनी है। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षाओं का ऐलान यहां पर किया गया है। ये बता दें आपको, 17-18 फरवरी को परीक्षाएं पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पेपर लीक की खबर सामने आई जिसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा और अब नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे में कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर किसी भी तरीके से गड़बड़ी जो है ना हो, इस बार इसको लेकर विशेष ध्यान दिया गया है और खास निगाहें इस पर रहने वाली हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के भर्ती के लिए जो नई डेट्स रखी गए हैं वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त, ये 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। इस प्रकार से कुल 10 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी भी पाली में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। तो विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े, विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, पेपर भर्ती परीक्षा को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, कुल मिलाकर कहा जाए तो विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाएगा इस बार की किसी भी तरीके की गड़बड़ी जो है ना होने पाए। देखिए बिल्कुल, पेपर लीक के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराई जाए, उसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसको लेकर तैयारियां कर रहा था और इसी कड़ी में अब नई जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार का जो पेपर होगा वो नकल माफियाओं के जो है को नकेल कसते हुए होगा और नकल माफिया किसी तरह से पेपर पर हावी ना हो, इसको लिए बाकायदा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार जहाँ पेपर सेट में जो है बदलाव किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी अलग अलग सेट तैयार किए जाएंगे। सेंटर्स को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, कौन सा सेट का पेपर कब आएगा इसको लेकर भी जो है बकायदा एक गाइडलाइन जो है तैयार की गई है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है वो की जा रही है और अब पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से बकायदा इसकी जो डेट है वो जारी कर दी गई है। और चूंकि अगस्त का महीना इसलिए भी रखा गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तमाम पश्चिम के इलाके वहां पर कांवड़ यात्रा है, इसके साथ साथ बाढ़ की स्थितियां जो है वो इधर की तरफ बनी हुई है, लखीमपुर, बाराबंकी, बहराइच, तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी इन क्षेत्रों के उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ही अगस्त की डेट तय की गई है। और अब फिलहाल जो नई तिथि है वो जारी कर दी गई है और अब जो तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे पेपर का, उनका इंतजार फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे विशाल आपके पास और जानकारी भी आपसे लेंगे। तो ये बता दें आपको, फरवरी में परीक्षाएं हुई थी लेकिन इस बार पेपर लीक को लेकर नई तारीखों का ऐलान हो चुका है और विशेष सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है किसी भी तरीके से पेपर लीक जैसी घटनाएं फिर दोबारा सामने निकल कर ना आए।